अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को मोहम्मद इरफान की तरफ से सलाम कबूल हो। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ ये बहुत ही जबरदस्त और आसान रेसिपी है। दोस्तों मेरी रेसिपी का नाम है फालसे का शरबत। फालसे के शरबत में आपको आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले जो मैं ले रहा हूँ फालसे का शरबत बनाने के लिए, मेरे पास एक कप में मेरे पास फालसा है, उसके बाद दोस्तों एक कप से थोड़ा सा कम मेरे पास चीनी है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये आइस क्यूब है, इसके अंदर ठंडा पानी भी मिक्स है आइस क्यूब के अंदर, उसके बाद दोस्तों व्हाइट सॉल्ट यानी कि सफेद नमक है, और दोस्तों उसके बाद ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक है, उसके बाद मिंट यानी कि पुदीना है, उसके बाद दोस्तों लेमन जूस मैं ले रहा हूँ। लेमन को मैंने निचोड़ कर उसका जूस निकाल लिया है दोस्तों। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों जो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ, अब मैं इसके अंदर ये फालसा ऐड करने लगा हूँ। इसके बाद दोस्तों इसी के अंदर चीनी हम ऐड कर देंगे, इसके बाद दोस्तों इसी के अंदर सॉल्ट यानी कि नमक ऐड करेंगे, ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देंगे इसी पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पर हम इसके अंदर पुदीना भी ऐड कर देंगे, उसके बाद दोस्तों लेमन जूस ये भी इसी पॉइंट पर शुरू में ही ऐड करेंगे इसको, उसके बाद दोस्तों सिर्फ इसी के अंदर हम फिलहाल ठंडा पानी डाल रहे हैं, अभी इसके अंदर आइस क्यूब नहीं डाल रहे ताकि ये जो चीनी है ये भी हल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अब एक हमने स्ट्रेनर ले लिया है, अब मैं इसके अंदर ये शरबत को डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इसको स्ट्रेन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों शरबत की फाइनल लुक रेडी है दोस्तों, फालसे की शरबत की। आप इसको जरूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको जरूर मजा आएगा। दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।